सभी क्षेत्रों में सफल, आप स्वाधीन हो जाए। सभी सफलताओं की कुंजी मैं थोड़े में ही बताता हूं, जल्दी से और सुगमता से उसके लिए उपाय बताने की कृपा करें। गुरु की पूजा किसी व्यक्ति की पूजा नहीं, शालिग्राम की पूजा कोई पत्थर की पूजा नहीं, शिवलिंग की पूजा कोई पत्थर की पूजा नहीं है, शिवजी की पूजा है। शालिग्राम की पूजा भगवान की पूजा है। ऐसे गुरु की पूजा कोई शरीर की पूजा नहीं, ज्ञान की पूजा है। गुरु के हृदय में प्रकाशित परमात्मा की पूजा है, ताकि हमारे हृदय में भी प्रकाशित हो। गुरु का आदर ज्ञान का आदर है, अपने जीवन का आदर है, अपने परमात्मा स्वभाव का आदर है। हमारे गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश स्वरूप है, चैतन्य है, दिखते इतने भर शरीर में है लेकिन विभू है। सारा संसार गुरुमय है, ईश्वरमय है, चैतन्यमय है। पक्षी पशु कीट पतंग सबकी गहराई में मेरे गुरुदेव ही। ओम गुरुदेव, ओम गुरुभ्यो नमः। तो इस प्रकार की पूजा से तो गुरु रोकेंगे नहीं, वह तो आप गुरु के स्वरूप में पहुंच जाएंगे, तो आप भी गुरु तत्व को पा लेंगे। गुरु को अगर शरीर मानते तो हमारी बुरी हालत हो जाती। गुरु शरीर में दिखते हैं लेकिन आकाश को भी ढांपे हुए ब्रह्म रूप होते हैं। लोक लोकांतर में उनका आत्मिक वैभव फैला होता है। देखिए, जैसे आकाश में राई का दाना तो बहुत छोटा दिखेगा, लेकिन राई के अंदर भी वही आकाश है। राई का दाना अपने को दाना नहीं माने तो वही आकाश विभू है। इस आकाश में राई का दाना, ऐसे ही गुरु के स्वरूप में ही गुरु का शरीर है, राई के दाने जैसा। आपका भी शरीर राई के दाने जैसा है, लेकिन आप राई के दाने जैसे शरीर को मैं मानते और गुरु अपने गुरुत्व को मैं रूप में अनुभव करते। तो कल बताया था कि उस गुरु प्रसाद का साक्षात्कार करने के लिए एक तो अपना इरादा पक्का कर लेना चाहिए कि हमें इसी जन्म में शाश्वत सुख पाना है, शाश्वत ज्ञान पाना है, शाश्वत जीवन पाना है। तो नश्वर जीवन ये दिखता है, इसको कितना भी संभालो टिकेगा नहीं। शरीर मरने के बाद भी जो अमर है उसको पहचान लो, मैं अमर आत्मा हूं। शरीर मादा पड़ता फिर भी मैं जानता हूं, शरीर स्वस्थ होता है उसको जानता हूं, तो मैं अमर हूं। मंदवाड़ मरने वाला है, दुख मर जाता है, सुख आ आके चला जाता है, मर जाता है, उसको जानने वाला मैं नित्य हूं। कठिन नहीं है, उस परमेश्वर स्वभाव को पाने का इरादा कर ले एक बार, तो उस इरादे को सफल बनाने में ऋषि मुनियों ने व्यास जी का आदर सत्कार करके पूछा कि प्रभु जल्दी से और सुगमता से परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए, जो आप देना चाहते उस अमर पद को हम पा लें, उसके लिए उपाय बताने की कृपा करें। व्यास जी तनिक शांत हो गए। ऋषि लोग समझ गए कि अमर पद में विश्रांति पा लिए, इतना साथ में है ईश्वर। तो ऋषि समझ गए कि ये ईश्वर के स्वभाव में स्थित हो गए। फिर व्यास जी ने कहा कि सभी धर्मों का सार, सभी कर्मों का सार, सभी सफलताओं की कुंजी मैं थोड़े में ही बताता हूं।
पांच इंद्रियां और छठा मन उसकी पराधीनता छोड़कर आप स्वाधीन हो जाए तो ईश्वर प्राप्ति हो गई। जैसे ऋषियों ने कहा साधो साधो, हो गई आप ईश्वर में आ गए। पांच ज्ञानेंद्रियां हैं आंख, बिन जरूरी देखने का और इसको देख के सुख भरने की बेवकूफी छोड़ दो, जरूरी व्यवहारों करो, बाकी का आंखों के द्वारा मजा लेने की भावना छोड़ो। जीभ के द्वारा स्वास्थ्य के लिए भोजन करो लेकिन चटोरापन की मजा छोड़ो। नाक के द्वारा सात्विक सुगंध लो, दिमाग को पुष्ट करे ऐसी सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, लेकिन नो परफ्यूम नो सेंट। कान के द्वारा जरूरी बात सुनो, किसी की निंदा अथवा कोई विकारी बातों से बचो। ऐसे काम इंद्रिय है संतान को जन्म देने के लिए पति पत्नी का व्यवहार का, और वो भी चतुर्मास में नहीं, देवशयनी एकादशी कल थी, अब से लेकर देवजगी तक एकादशी तक संयम में रहना चाहिए। चाहे गृहस्थी हो, अपनी पत्नी हो, आप भी पति पत्नी रहते, नहीं तो कमजोरी ज्यादा हो जाएगी। चतुर्मास में संभोग करने से बुढ़ापा जल्दी आएगा और चतुर्मास में संयम करने से साधन भजन जल्दी फलेगा। तो ये पांच इंद्रियां हुई, शब्द सुनने का, स्पर्श काम विकार और स्पर्श, रूप देखने का, रस चखने का, गंध सूंघने का, इनमें इनके द्वारा सुख भोगते भोगते आदमी तुच्छ योनियों में चला जाता है। देखने का, पिक्चर देखने का अथवा गलत देखने की आदत पड़ गई तो मरने के बाद ये जो पतंगिये होते हैं उसी वही मनुष्य होंगे जिनको देखने का, किसी के तरफ देखकर मजा लेने का आदत बन जाती है तो मरने के बाद वो पतंगिये बनेंगे लगभग, उसी प्रकार की दूसरी योनियां। तो बल्ब देख देख के, कार की लाइट देख देख के मजा लेने को आते और मर जाते। देखने की आदत बन गई, देख के सुखी, देख के रस लेने की आदत बन गई तो ऐसी ही योनियों में जाना पड़ेगा। सूंघ कर सुखी होने की आदत पड़ गई परफ्यूम आदि तो भंवरे जैसी और भी योनियां हैं। ऐसे चटोरेपन की आदत पड़ गई, स्वाद की गुलामी, तो फिर मछली और ऐसी उसी के चटोरेपन को जीभ का मजा देवे ऐसी योनि में जाएगा। ऐसे सेक्स के आदत पर काम विकार की आदत पड़ गई, आकर्षण गहरा रह गया तो मरने के बाद बकरा सुअर कबूतर और भी जो योनियां हैं खरगोश, वो सेक्सी योनियों में फिर जाना पड़ेगा, कामी योनियों में। लेकिन इनको संयत से इनका उपयोग करके बाकी भगवान का सुख भोगने की आदत है, भगवान का ध्यान भगवान का ज्ञान, तो या तो भगवान के धाम में जाएगा अगर इसी जन्म में पूरा गुरु मिल गया और भगवान जिसे भगवान है उस आत्मा का ज्ञान हो गया तो फिर कहीं जाएगा आएगा नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश की नाई व्याप जाएगा ब्रह्मांडों में। फिर उसके नाम की कोई मनोती करेगा तो उसके कार्य ह्रास कर लेगी प्रकृति। तो ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के नाम की मनोतियां भी फलती, ब्रह्मवेता ब्रह्मवित्त भवती ताकि वाणी वेद। ब्रह्मवेता कोई शास्त्र का प्रमाण दे कोई जरूरी नहीं, वो जो बोलते हैं वही वाणी उनकी वेद वाणी प्रमाण होता है। तो ऐसा ब्रह्म ज्ञान सरलता से मिल जाए तो व्यास जी ने बताया कि मन और पांच इंद्रिय षड इंद्रियों को नियंत्रित करके परमात्मा का आश्रय ले ले, सभी क्षेत्रों में सफल। जिसको चटोरापन की आदत है जीभ का स्वाद तो फिर वही चीज बांटो तो आदत कम हो जाए।
ज्यादा बोलने की आदत है तो आज मौन रखूंगा। तो ये गंदी आदतों पर विजय पाने का, और उसके बदले में गंदी आदत मेरे में है मैं निकालूंगा, ऐसा ना सोचो। गंदी आदत मन में है, मुझ में तो भगवान है। आप भगवान का चिंतन, भगवान का सत्संग, भगवान का नाम का जप, और सर्वत्र मेरा वासुदेव है और मैं भी उसी का ही अभिन्न अंग हूं। जैसे सर्वत्र पानी है तो तरंग भी तो पानी है। ऐसा चिंतन करें, जल्दी परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। वास्तव में परमात्मा ही सदा है, बाकी कुछ सदा नहीं। सब बदलने वाला वो माया मिथ्या, बहुत ऊंचा ज्ञान है और सरल भी है। तो ये चतुर्मास में संयत होने का संकल्प करें। जो विषय विकार निंदा चुगली में अपने को लगाए उनसे बचे। तो साधन भी दो प्रकार का होता है, एक तो शरीर मान इंद्रियों का सहयोग लेके साधन, और दूसरा सीधा साधन। हम हमारा आत्मा है, हम चैतन्य आत्मा है, साक्षी स्वरूप है, नित्य है, उसी में सीधा पहुंचने का। और शरीर इंद्रियों से धर्म अनुरूप व्यवहार करने, जल्दी साक्षात्कार। वहम घुस गया कि हम इतनी मेहनत करेंगे, इतने व्रत करेंगे, इतना उपवास करेंगे, इतना इतना वर्ष बीतेगा तब भगवान मिलेगा। तो फिर भगवान ऐसे ही करते गए, इसका जैसा मानना है ऐसे ही करो। और भगवान को जल्दी मिल जाएगा, इजी है, तो भगवान उसके लिए इजी हो जाते, सरल हो जाते। कोई भूत प्रेत को मानते तो भगवान उसको वही सत्ता देते, क्या भाई चलो सी। होठ बंद।